हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गैस के गुण के बारे में। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला गुण क्या है यहाँ पर, गैस में आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता। आयतन आकार निश्चित नहीं होता, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल जरिए समझते हैं। ये हम मैंने क्या किया, एक गुब्बारा लिया और इसमें क्या किया, हवा भरा। तो देख सकते हैं कि ये क्या किया, इस तरह का आकार ले लिया, गोला जैसा। लेकिन जब इस हवा को इस वाले गुब्बारा में भरेंगे तो क्या करेगा, लाइन जैसा ये आकार ले लेगा। देख सकते हैं कि ये आस्थान जो है वो किस प्रकार घेरा, गोला जैसा, और इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से घेरा है, लंबा जैसा। तो ये आयतन का मतलब होता है कि आस्थान, है ना। तो आस्थान किस प्रकार से घेर रहा है, तो कुछ यहाँ पर गोला सा घेर रहा है, यहाँ पर कुछ लंबा जैसा। लेकिन यही हवा जो यहाँ पर भरे हैं इसको क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा गुब्बारा में भरेंगे तो उसका स्थान भी क्या करेगा, ये ले लेगा और उसका आकार में भी आ जाएगा। तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि आयतन आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। दूसरा गुण में क्या है कि गैस में भार होती है। गैस में क्या होता है, भार होती है। जैसे गैस सिलेंडर में जब गैस में भरता है तो उसमें देखिएगा कि कुछ उसमें भार होता है, ठीक है। और खाली सिलेंडर का गैस लीजिए और भरा हुआ सिलेंडर, देखिएगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, कुछ भार होगा गैस जिसमें भरा होगा। तीसरा गुण क्या है, गैस में तरलता का गुण होता है, तरलता का गुण होता है। ये गैस क्या होता है कि तैरता है, ठीक है। इसे आसानी से दबाया जा सकता है। अगर गुब्बारा में अगर हवा भरेंगे उसको जब हम प्रेस करेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, दाब सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गैस के गुण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।